और कुछ लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर के उपद्रवीय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले शासन और प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा राजपूत समाज भी कोई कम नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो राजपूत समाज भी कोई कम नहीं है, और अगर दिनांक 22 तारीख को रावण आ सकता है, अगर रावण पैदा हो सकता है, तो दिनांक 22 तारीख को रावण का वध करने के लिए श्री राम भी पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, जितेंद्र पाल अच्छे कपड़े पहनता था, मूंछ बड़ी रखता था, इसलिए उसकी सामंती सोच रखने वाले लोगों ने हत्या कर दी। उसके परिजनों को सांत्वना देने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण 22 मार्च को वहां पहुंचने वाले थे, शायद भी वहां पर पहुंच भी गए हों। तभी एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में एक व्यक्ति कहता है कि यदि चंद्रशेखर रावण वहाँ आते हैं तो उसका वध कर दिया जाएगा, यानी चंद्रशेखर रावण का वध कर दिया जाएगा, सरेआम धमकी दे रहा है। ये कौन है? तो ये अपने आप को राजपूत बता रहा है। तो ये और रही बात, तो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण क्यों पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर जो जितेंद्र मेघवाल थे, यानी जितेंद्र पाल थे, उनकी मूछों के कारण हत्या कर दी गई है। तो वहाँ पर भीम आर्मी चीफ के साथ करीब लाखों की संख्या में मूछों वाले व्यक्ति पहुँचने वाले थे, तभी ये एक वीडियो वायरल होता है और उसमें ये धमकी दे रहा है व्यक्ति। तो और भी आप लोगों को कुछ जानकारी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आए दिन दलित शोषितों व महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, बर्बरतापूर्ण हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। केवल मूछ रखने के कारण एक दलित की हत्या पर सरकार क्यों मौन है? अब भी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यानी अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। उसी का विरोध करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पाली पहुंच रहे हैं 22 तारीख को, तभी ये वीडियो वायरल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार हमारे डीबी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।